फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर, यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं कमल नंदलाल का दैनिक राशिफल। इस राशिफल में बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के राशिफल की, साथ ही साथ आपको बताएंगे राशि अनुसार कुछ सिंपल से उपाय, पंचांग बताएंगे, दिन का हाल बताएंगे, आपका लकी नंबर, लकी कलर, लकी डायरेक्शन, लकी टाइम बताएंगे और राशिफल के आखिर में आपको बताएंगे एक ऐसा स्पेशल उपाय जो आपके लाइफ की किसी खास प्रॉब्लम को चुटकियों में दूर कर देगा। तो चलिए राशिफल की शुरुआत करते हैं पंचांग के साथ में। तो दिन है शुक्रवार का, तारीख है 10 जून 2022, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी पर चंद्रमा कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में रहेंगे। दिन का लकी नंबर रहेगा 4, लकी कलर रहेगा ब्लू, लकी डायरेक्शन रहेगी साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य, राहु काल रहेगा सुबह 10:36 से लेकर के दोपहर को 12:21 तक, भद्रा रहेगी शाम को 6:41 से लेकर अगले दिन सुबह 5:23 तक, रवि योग रहेगा सुबह 5:23 से लेकर के रात में 3:37 तक और दिन का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो है सुबह 8:00 से लेकर सुबह 10:30 तक का। और हमारा आज का जो विशेष जो है वो ये है कि आज मुसल योग है, बड़ा अशुभ योग कहलाता है ये, और इसको काटने के लिए है निर्जला एकादशी। पूरे साल की सबसे खास एकादशी जिसको भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है, और इसमें विशेष क्या होता है कि जल पर संयम रखकर इस व्रत को करते हैं, यानी कि इसमें जल का प्रयोग भी जो है वो बहुत संयम के साथ में किया जाता है। और आज आपको बताएंगे हमारा स्पेशल उपाय भी निर्जला एकादशी से जुड़ा हुआ है, बताएंगे आपको कैसे जीवन से दुख दूर होंगे, उसके लिए राशिफल आपको आखिर तक देखना पड़ेगा। तो चलिए अब राशिफल की शुरुआत करेंगे। राशि नंबर 1 मेष यानी कि एरीज के साथ में आय के नए स्रोत मिलेंगे, भविष्य को लेकर चिंता रहेगी, नए कारोबारी सौदे होंगे, खास लोगों से मुलाकात होगी, लाभ के शानदार मौके मिलेंगे। उपाय यह करें कि गरीब बच्चों में खीर का दान करें। राशि नंबर 2 वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे, समझदारी से लंबित काम पूरे होंगे, निवेश से लाभ होगा, व्यापार में लाभ होगा, घरेलू माहौल खुशनुमा रहेगा, परिजनों के सहयोग से काम बनेंगे। उपाय ये करें कि पूजा घर में शुद्ध घी का दीपक जलाएं। तीसरी राशि मिथुन यानी कि जमनाय की बात करेंगे, रुके हुए काम पूरे होंगे, व्यवहार को नम्र बनाए रखें, सामाजिक कार्यों में रुचि रहेगी, व्यर्थ के विवादों से दूर रहें, पिता की सेहत की चिंता रहेगी। उपाय ये करें कि घर की दक्षिण पूर्व दिशा में धूप करें। चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की बात करेंगे, धन निवेश से बचें, जीवन साथी की चिंता रहेगी, सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे, मित्रों से खुशखबरी मिलेगी, दफ्तर में अधिकारी सहयोग देंगे। उपाय ये करें कि किसी वृद्ध भिखारी को चावल दान करें। पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे, कारोबारी लाभ के योग हैं, प्रेम प्रसंग में सावधानी रखें, सरकारी काम में मदद मिलेगी, छात्रों का समय अनुकूल रहेगा, पारिवारिक संबंध सुधरेंगे। उपाय ये करें कि फलों के रस का सेवन करें। छठी राशि कन्या यानी कि वर्गों की बात करेंगे, सुख सुविधा में वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, कारोबारी विरोधी परास्त होंगे, परिजन काम की तारीफ करेंगे, दफ्तर का माहौल सुधरेगा। उपाय ये करें कि किसी ज़रूरतमंद को दधि यानी कि दही दान करें। सातवीं राशि तुला यानी कि लिब्रा की बात करेंगे, जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें, सेहत पर ध्यान दें, कोई खुशखबरी मिलेगी, आत्मबल में वृद्धि होगी, किसी के सहयोग से करियर में लाभ मिलेगा। उपाय ये करें कि कपड़ों पर परफ्यूम छिड़कें। आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे, गुस्से पर संयम रखें, बनते हुए काम बिगड़ने के योग हैं, कारोबारी यात्रा से लाभ होगा, माता पिता से संबंध बेहतर बनेंगे, सेहत पर ध्यान दें। उपाय ये करें कि गाय को रोटी खिलाएं। नवी राशि धनु यानी कि सेजिटेरियस की बात करेंगे, कारोबारी उन्नति के मौके मिलेंगे, आर्थिक क्षेत्र में उतार चढ़ाव रहेगा, बड़े खर्च सामने आएंगे, कर्ज लेने से बचें, जीवन साथी से पूरी मदद मिलेगी। उपाय ये करें कि दैनिक पूजा में चंदन की धूप जलाएं। दसवीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे, संतान के कारण मन दुखी रहेगा, फंसा हुआ धन प्राप्त होगा, आय के स्रोत बढ़ेंगे, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, प्रोफेशनल महिलाएं जो हैं वो सफल रहेंगी। उपाय ये करें कि नाभि पर इत्र लगाएं। ग्यारहवीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे, साझेदारी से कारोबार सफल रहेगा, अचानक धन लाभ के योग हैं, संपत्ति खरीदने के योग हैं, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, शुभ समाचार प्राप्त होंगे। उपाय ये करें कि दही चावल का दान करें। बारहवीं राशि मीन यानी कि पाइसिस की बात करेंगे, सुख सुविधाओं पर खर्च होगा, जीवन साथी के सेहत की चिंता रहेगी, घरेलू विवाद के योग हैं, आर्थिक क्षेत्र ठीक रहेगा, कानूनी मामले सफल रहेंगे। उपाय ये करें कि मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करें। तो दोस्तों, अब समय है आज के स्पेशल उपाय का, वो स्पेशल उपाय जो आपको जीवन से दुख आपके दूर करेगा। देखिए, खास दिन है,
ये विशेष निर्जला एकादशी का दिन है, भीमसेनी एकादशी का दिन है, ऐसे में क्या करें? भगवान विष्णु का पूजन करें और भगवान विष्णु पर शहद चढ़ाएं और जो चढ़ा हुआ शहद है ये ब्राह्मण को दान कर दें और पूरे प्रयोग में एक विशेष मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु का विशेष मंत्र है मधुसूदन, एक उनका नाम है, तो एक विशेष मंत्र का जाप करें, ओम मधुसूदनाय नमः। आश्वस्त करता हूँ आपको जीवन से दुख निश्चित दूर होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय।